क्या असम में इस बार बीजेपी सरकार की विदाई होने जा रही है? क्या असम की जनता को बीजेपी सरकार का काम रास नहीं आया है? और क्या असम में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है? कम से कम कांग्रेस तो यही दावा कर रही है। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे दी कंटाप। दरअसल पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। यहां तक कि दोनों ही राज्यों में 2 फेज की वोटिंग भी हो चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन असम में तो कांग्रेस बीजेपी की सर्बानंद सोनोवाल सरकार की विदाई का वीडियो तक जारी कर दिया है। असम विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले 1 महीने से चुनाव की कमान संभाल रखी है। वो न सिर्फ यहाँ धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी की हरा देने का दावा तक कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक जनसभा का वीडियो साझा किया है, जिसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि भाजपा का विदाई समारोह देखिए, ये सभा कामरूप जिले के हाजे विधानसभा की है। इसी सभा में मौजूदा कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह ने बताया, इस सभा में चाबो विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अजय फुक्कन अपना एक गाना सुना रहे थे। अजय फुक्कन असम के नामचीन संगीतकार और गायक हैं। चुनाव प्रचार के दौरान वो जनसभाओं में अपने गीतों से ऐसा माहौल बना रहे थे। छत्तीसगढ़ से प्रचार करने असम गए कई नेताओं ने बताया, कांग्रेस की जनसभाओं में असम की जनता काफी उत्साहित दिख रही है। उम्मीद की जा रही है कि ये उत्साह वोटों में बदलेगा। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम चुनाव के लिए पार्टी का सीनियर ऑब्जर्वर और चुनावी प्रबंधक बना रखा है। वो चुनाव के दौरान असम और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का स्टार प्रचारकों में भी शामिल हैं। हालांकि उनका पूरा फोकस असम में ही है। पिछली बार वो 27 मार्च को रायपुर लौटे थे। 2 दिन रायपुर में बिताने के बाद 29 मार्च की शाम को वे गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए, तभी से उनका प्रचार अभियान जारी है। बता दें, छत्तीसगढ़ से 500 कांग्रेसी असम पहुंचे हैं। असम चुनाव का प्रचार अंतिम चरण में है। तीसरे और अंतिम चरण की 40 सीट के लिए 6 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए कांग्रेस ने एक तरह से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ के करीब 500 नेता कार्यकर्ता लोअर असम के अलग अलग विधानसभा सीटों पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि कम से कम असम में तो वो सत्ता परिवर्तन की कोशिश में कामयाब होगी, जिसके लिए भूपेश बघेल से लेकर राहुल प्रियंका तक असम पर खास फोकस करते नजर आ रहे हैं। अब असम में परिवर्तन होता है या नहीं, ये तो 2 मई को ही पता चलेगा। तब तक दावों वादों वार पलटवार और एक दूसरे पर छींटाकशी का मजा लीजिए। लेकिन अगर आप इन चुनावी राज्यों में से हैं, तो अपने मत का प्रयोग भी जरूर कीजिए। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।